अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद हो और इसमें सेवियां ना बनाई जाएं तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ मज़ेदार सा जी सेवियों का ज़रदा, और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही लजीज है। चले जी हम चलते हैं अपनी शानदार रेसिपी की तरफ। जी सेवियों के जरदे के लिए मैंने एक सेवियों का फुल पैकेट लिया था। इसको मैंने हाथ की मदद से क्रश कर लिया, सेवियां थोड़ी सी तोड़ ली हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मक्खन लिया है। मक्खन में सेवियों को बनाएंगे, आप घी भी ले सकते हैं। और मैंने 3 से 4 अदद इलायची ली है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और 2 टेबलस्पून जी मैंने ये ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। और चीनी लिए 250 ml का कप है ये, 1 कप जितनी शुगर लेनी है हमने। और ये थोड़ा ज़ाफ़रान लिया है, और 1 कप जो है इसमें दूध का इस्तेमाल होगा। चले जब हम चलते हैं अपनी सेवियों की रेसिपी की तरफ। एक पैन लिया था, इस पैन को मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैं 3 टेबलस्पून मक्खन डाल रही हूँ। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर देसी घी या मक्खन में सेवियाँ बनाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। अब इसमें मैं सेवियों का फुल पैकेट शामिल कर रही हूँ। अब मक्खन में इसको मैं फ्राई करूँगी। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा सेवियाँ नहीं भूननी, वरना ये काली हो जाएंगी और टेस्ट इसका मज़े का नहीं बनेगा। लाइट सा बस मक्खन में उनको फ्राई करना है। ये देखें जी, सेवियाँ जो है हमारी फ्राई हो गई हैं मक्खन में, इस तरह की इसकी लुक आ जाएगी। भाई इतना ही हमने फ्राई करना था इनको। अब इसमें मैं इलायची डाल रही हूँ, इलायची मैंने क्रश करके रख ली थी। बादाम डाल रही हूँ, ये मैंने क्रश करके रखे हुए थे। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ज़ाफ़रान हाथ की मदद से मसल के। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 कप जितना दूध। इनकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें। ये सेवियों का ज़रदा है तो ये खड़ा खड़ा बनता है, इसमें ज़्यादा पानी या ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं होता। अभी चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है इसमें। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जी 1 कप चीनी। ये 250 ml का कप लिया है मैंने। चीनी आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से सेवियों के साथ की मिक्सिंग कर लें। अब ये सेवियाँ जो है हमारी दम पे पकेंगी। दम जो है मैक्सिमम जो है, काफ़ी ज़्यादा सेवियाँ इस तरह हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं, लेकिन दम पे हमने इनको पकाना है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है दम पे रखने के लिए। दम पे लगाने से पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी ड्राई मिल्क पाउडर, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे खुश दूध। इससे जी खोए की लुक आएगी और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े की सेवियाँ बनती हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें हल्का सा, और अब इसको दम पे अब आप लगा दें। दम पे मैक्सिमम जो है 5 मिनट आपने दम पे लगाना है हल्की आग पे, और फिर आपकी सेवियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं दम चेक करने लगी हूँ। ये देखें जी सेवियाँ हमारे बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बिल्कुल पक गई हैं। इतना ही दम से काफ़ी होता है। और ये सेवियाँ देखें ज़रदा बिल्कुल खड़ा खड़ा है, ज़्यादा पानी दूध शामिल नहीं करना। बहुत मज़े का ये बनता है और मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। ईद पे आप लाजमी बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। ये देखिए जी, ये जी हमारे सेवियों के जर्दे की फाइनल लुक, कितना मज़े का लग रहा है। और हमने जो ड्राई मिल्क पाउडर डाला था उससे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर खोया हमने शामिल किया हुआ है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ईद पे सबको खिलाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। सदा ख्वाजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।